हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी। वेलकम डिवाइन से एंड टैरोट क्वीन खुशी से। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो जैसे कि सितंबर मंथ की रीडिंग आ चुकी है, सितंबर मंथ में क्या होगा, लव कम्युनिकेशन कैसी होगी, कैसे रहेगा करियर, कैसे जॉब रहेगी, कैसे फाइनेंशियल कंडीशन रहेंगी, कैसे लाइफ रहेंगी, कैसे फैमिली रहेंगी, तो चलिए जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी अगली राशि जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए दिस मंथ कैसा रहेगा, लव कम्युनिकेशन कैसे रहेंगे। तो जैसे कि लव कम्युनिकेशन में वाव कार्ड्स नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, तो जैसे मैं बताऊंगी ज़रूर। एंड फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहेंगी, जॉब और बिजनेस कैसे रहेगा, तो चलिए जानते हैं। जैसे कि लव कम्युनिकेशन में अगर देखा जाए तो बोलते हैं कि नाइन ऑफ वांड्स, आप जिसके लिए सोच रहे हैं, जिसके लिए परेशान हो चुके हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत अपने पार्टनर की तरफ जो ले चुके हैं, तो आपके पार्टनर की बोलते ना कि एनर्जी जो है, बोलते ना कि छुप छुप के सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड्स, थोड़ा सा मतलब दिखने में ऐसे लगता है कि नहीं कुछ बुरी एनर्जी है, पर कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी वाली एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा फायदेमंद वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि द लेडी का कार्ड्स आ चुका है। द लेडी का कार्ड जब भी आता है तो कहते ना कि आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी एक अच्छी सी जर्नी जो है बिता सकते, क्योंकि द लवर का कार्ड्स आ रहा है उनके साथ में ही। द लवर कार्ड्स ये कहता है कि आप अपने लव पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छी एनर्जी, काफ़ी अच्छा टाइम बिता सकते हैं। जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि दिस मोमेंट पे आपका बोलते ना कि महीने भर में ना ही कहीं नोक झोंक, ना ही कुछ परेशानी, ना ही कुछ एनर्जी ऐसी कुछ डाउन होती हुई नज़र आती हुई दिखाई दे रही, काफ़ी अच्छी एनर्जी नज़र आती हुई दिखाई दे रही, जिसकी वजह से काफ़ी हैप्पी रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप बाहर टूर पर भी जा सकते हैं, एक ट्रैवलिंग मोमेंट नज़र आती हुई दिखाई दे रही आप अपने पार्टनर के साथ। एंड जैसे कि काम के बारे में देखा जाए तो सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड्स नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं के एक फाइनेंशियल कंडीशन से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आते हुए दिखाई दे रहे। फोर ऑफ कप्स का कार्ड्स ये रहेगा कि आप ज़्यादा खर्चा करने का आपका मन नहीं करेगा, आपको स्टेबल रहने का मन करेगा, मनी इनकम सोर्स आपकी काफ़ी अच्छी नज़र आएंगी, क्योंकि कैसे क्यों ना पेंटिकल्स भी कार्ड्स यही नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, आप काम में बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आते हुए दिखाई देते। एक स्पीडली काम करना है, एक अच्छी सी एनर्जी ग्रोथ करना है, एक एनर्जी के साथ रहना, कहीं ना कहीं अगर आप न्यू काम भी स्टार्ट करते तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी देंगी। थोड़ी सी भागदौड़ हो सकती है काम को लेके, क्योंकि प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ थोड़ी सी नोकझोंक भी हो जाएंगी, पर ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, थोड़ी सी हो जाएंगी। एक न्यू गोल बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं, एक अच्छी एनर्जी तो है ही है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स माने जाएंगे। एक न्यू लव कम्युनिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एक पार्टनर के साथ भी काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी रहेंगी, मनी इनकम सोर्स आपकी आती रहेंगी, पर आपको ज़्यादा खर्चे नहीं करने, आपको खुद सारी चीज़ें प्रॉपर दिस मंथ में आप, मुझे लगता है कि ऐसे हो सकता है कि आपने पूरा टारगेट बना लिया हो कि यार मुझे अभी ऐसे नहीं ऐसे रहना है, ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, तो ये वाली सिचुएशन मुझे कार्ड्स के अनुसार नज़र आती हुई दिखाई दे रही। काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसीजन भी है, अगर कहीं ना कहीं अगर आप बिज़नेस के बारे में भी आपको तेज़ी में ज़्यादा करके लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल होगा, आपके बिज़नेस के बारे में भी ट्रैवल हो सकता है, कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी जाते तो काफ़ी अच्छी एनर्जी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा कि दिस मंथ आपका कैसा रहा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा कि दिस मंथ आपका कैसा रहा आपकी राशि के अनुसार। एंड मैं आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।